जी बेटे, लास्ट में जो टेंस हमारे पास वो है परफेक्ट कंटीन्यूअस के। अब देखें, इनडेफिनेट की तरह परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हमारे पास तीनों टेंसेस डिफरेंट होते हैं। तीनों टेंसेस डिफरेंट इस तरह होते हैं, अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आम तौर पर जो पढ़ाया जाता है 9th 10th क्लास या फर्स्ट या सेकंड लेवल पे, जो टीचर वो जुगाड़ी तरीका जो बता देते हैं, कंटीन्यूअस के साथ अगर टाइम मेंशन है तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, अगर पास्ट कंटीन्यूअस के साथ टाइम मेंशन है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, और अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस के साथ टाइम मेंशन है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। बेटे देखिए, थोड़ा सा लॉजिक समझ लें उसका। अगर हम क्या करते हैं, हम एक टाइमलाइन ड्रा करते हैं। टाइमलाइन में हमारे पास तीन टाइम होते हैं। पहला टाइम हमारे पास होता है प्रेजेंट, सेकंड हमारे पास होता है पास्ट, और थर्ड हमारे पास होता है फ्यूचर। अगर हम किसी ऐसे एक्शन की बात करें जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और फ्यूचर के टाइम तक अभी तक वो जारी है, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट के किसी वक्त में स्टार्ट हुआ और अभी तक जारी है, ऐसे टेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लाइक हम बोलते हैं बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, अब सुबह का टाइम जो था वो कहीं पर पास्ट की टाइमलाइन पर आएगा, अभी तक चूंकि खेल रहे हैं तो प्रेजेंट होगा। तो ऐसे टेंस को जब हमारा एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यू होगा, अभी तक जारी है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और अगर हम एक और टाइमलाइन ड्रा करते हैं, वही है कि पास्ट टाइम होता है, उसके बाद प्रेजेंट है, प्रेजेंट के बाद फ्यूचर है। अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही किसी टाइम तक कंटिन्यू था, खेल रहे थे, सुबह से खेल रहे थे, खेलना स्टार्ट भी पास्ट में हुआ और जब तक खेल रहे थे वो भी पास्ट में है, तो ऐसे एक्शन को हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और अगर हम टाइमलाइन ड्रा करें किसी ऐसे एक्शन की बात करें जो टाइम जो प्रेजेंट से भी स्टार्ट हो सकता है, जिसकी स्टार्टिंग प्रेजेंट से भी हो सकती है, जिसकी स्टार्टिंग पास्ट से भी हो सकती है, लेकिन वो फ्यूचर के किसी टाइम तक क्या होगा, कंटिन्यू होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बोलेंगे। आपने याद रखना है, आसान जुगाड़ आप इसका कैसे लगाते हैं, कि अगर पास्ट कंटिन्यूस के साथ टाइम मेंशन है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ टाइम मेंशन है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ टाइम मेंशन है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली लेके चलेंगे तो लॉजिकली कुछ यूं चलेगा, अगर पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और अभी तक जारी है तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही किसी टाइम तक जारी था, कंटिन्यू सिचुएशन में रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और अगर कोई ऐसा एक्शन जिसकी स्टार्टिंग प्रेजेंट की भी हो सकती है या पास्ट की हो सकती है और उसको हम कंटिन्यू कब तक कर रहे हैं, फ्यूचर तक कंटिन्यू करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और एक और बात आपने जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के लिए याद रखनी है, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, वो चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तीनों सूरतों में, तीनों टेंसेज में आपने जो बात याद रखनी है, इन तीन टेंसेज का पैसिव वॉइस हमारे पास नहीं होता है। इन तीन टेंसेज का पैसिव वॉइस हमारे पास बेटे नहीं होता, याद रखिएगा, चार टेंसेज का पैसिव वॉइस नहीं होता। पहले आपने एक टेंस पढ़ा है फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर नहीं होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनका पैसिव स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं होता, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर इनके हम जब एक्टिव में बनाते हैं, देखिए स्ट्रक्चर हम इनके एक्टिव में जब बनाते हैं तो हमारे पास पहला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सेकेंड स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है, सेकेंड टेंस जो हमारे पास होता है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और थर्ड जो स्ट्रक्चर बेटे हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तीन टेंस हमारे पास होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर हमें देखना है वो सिर्फ एक्टिव स्ट्रक्चर देखना है, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर तो इन टेंसेस का होता ही नहीं है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने क्या करना है, याद रखना है, इन तीनों टेंसेस में वर्ब की जो फॉर्म यूज होगी वो कौन सी फॉर्म यूज होगी, आईएनजी फॉर्म। गर्मेरियन ने इसका जो सोल्यूशन दिया है वो ये कि आप एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और एक टेंस की फॉर्म यूज करेंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हमें क्या करना है, फॉर्म किसकी यूज करनी है, कंटिन्यूस की, और हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करना है, परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हैज और हैव, लेकिन इसके साथ हमें यहां पर एडिशन करना है, और किसका एडिशन करना हैज बीन का और हैव बीन का, पैसिव नहीं बना रहे, एक्टिव में ही है बीन।
इस यही वजह है चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब पहले से पैसिवाइज होते हैं इसलिए इनका मजीद पैसिवाइज नहीं बनाया जाता। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होता हैड, उसको हम एडिशन करेंगे हैड बीन के साथ, और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास क्या होता है विल हैव और शैल हैव, और विल हैव और शैल 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 हैव को हम क्या करेंगे विल हैव एम शैल हैव, विल हैव और शैल हैव के साथ हम किसका एडिशन करेंगे बीन का। यानी कि अगर आपको एमकैट के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है तो आपको ये याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन और हैव बीन, और साथ फॉर्म कौन सी यूज होती है आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैड बीन और हेल्पिंग फॉर्म कौन सी यूज होती है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और साथ फॉर्म कौन सी यूज होती है आईएनजी। ये तीन स्ट्रक्चर आपने याद रखने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि पास्ट पेपर के क्वेश्चन ऑब्जर्व करें, उनको क्रिटिकली एनालाइज करें, आपको वर्कशीट की फॉर्म में दिए भी हुए हैं, आगे जाके हम टेस्ट डिस्कशन के साथ फर्दन उसको क्या करेंगे वन बाय वन करके हम उसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अभी आपके पास क्या है, आपको टेंस के बारे में दो चीजें याद रखनी है। टेंस के बारे में दो चीजें क्या याद रखनी है कि हर टेंस की दो वॉइसेज हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हर टेंस में आपको उसका एक्टिव स्ट्रक्चर भी याद रखना है और पैसिव स्ट्रक्चर भी याद रखना है। हर टेंस के एक्टिव स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए कि इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इसके लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज करनी है। और पैसिव वॉइस में भी आपको यही याद रखना है कि इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और इसका फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा है। चार टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन चार टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। अदरवाइज बाकी जितने भी टेंसेस हैं सारे टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं पैसिव वॉइस के लिए थर्ड फॉर्म यूज होती है। कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को हम बीइंग का वर्ड यूज करके पैसिव वॉइस बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब को हम बीन का वर्ड यूज करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। तीनों टेंसेस परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस होता नहीं है। पास्ट इंडेफिनेट को पैसिव वॉइस के लिए हम वाज वर्ब यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए विल बी शैल बी यूज करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस के लिए हम क्या यूज करते हैं इज एम आर, और सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। पेपर में हमें फॉर्म ऑफ वर्ब जस्टिफाई करनी है, खुद से कोई सेंटेंस नहीं लिखना है, लिखे हुए सेंटेंस को जस्टिफाई करना है, तो आपको अच्छे तरीके से टेंस का एक्टिव और पैसिव डिफरेंस पता होना चाहिए, हर वॉइस का आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हर टेंस का अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि आप जब सेंटेंस को जस्टिफाई करें तो उसमें गलती का कोई चांस ना हो।